देखिए, कांग्रेस की रैली दिल्ली में पूरी तरह से फ्लॉप हुई है और राहुल गांधी जी ने आज ये स्वीकार कर लिया है कि अलग अलग मत हों लेकिन सबके मत उनको स्वीकार हैं। और उन्होंने सलमान खुर्शीद की तरफ इशारा करते हुए उनके दिए गए बयान से अपनी सहमति जता दी है, क्योंकि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। ये जो बयान सलमान खुर्शीद साहब ने दिया था उसको राहुल गांधी की मुहर लग गई। देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी बांटों और राज करने में यकीन रखती है। कांग्रेस ने आज तक बंटवारे की राजनीति की है और कांग्रेस की इस रैली में कोई उत्साह नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, न मंच पर बैठे हुए नेताओं में विश्वास, न मंच के नीचे जो भीड़ है उसके अंदर विश्वास। ये कांग्रेस की एक ऐसी रैली थी जिसमें ताकत तो बहुत लगी लेकिन भीड़ नहीं जुटी। और ये आज कांग्रेस को पता लग गया होगा कि देश के लोग आक्रोशित हैं कांग्रेस से। अगर कांग्रेस ये चाहती है कि वो इसी तरह से भ्रम पैदा करके देश पर राज कर लेगी तो अभी देश के लोग भ्रम में आने वाले नहीं।